नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली रिव्यू में एमसीक्यू में। आज के वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से विजयनगर का पार्ट टू। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में देवदासी किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो स्त्रियां मंदिरों में निवास करती थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है कर्नाटक साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य को बिसनेगर साम्राज्य के नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 1646 में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और इसकी राजधानी हम्पी निम्न में से किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है तुंगभद्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से विजयनगर का सदैव संघर्ष होता रहा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है बहमनी। अगला क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1565 में। अगला क्वेश्चन है, तालीकोट के युद्ध में निम्न में से किसकी हार हुई थी? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन कहलाते थे? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 1509 से 1529 तक। अगला क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध निम्न में से किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है दक्कन सुल्तानों और विजयनगर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमी गोस पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अभिनव भोज की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है रामदेव अरवीदू ने। अगला क्वेश्चन है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है लिपाची को। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है संगमा। अगला क्वेश्चन है जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरमर सरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है, शिष्ट का अर्थ था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है भूमि कर। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, खानदेश राज्य का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है मलिक राज फारूकी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है बेल्लारी। दोस्तों, आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है, बहमनी राज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहते थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।